नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आज हम करने वाले हैं बात आप सबके साथ टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस रुबीना दिलेक को लेकर। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास से घर घर में सौम्या किन्नर के नाम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रुबीना दिलेक का छलका है दर्द। ये बात तो हर कोई जानता है कि रुबीना दिलेक बीते साल ही बिग बॉस 14 की विनर रही थी, और इसके साथ रुबीना दिलेक की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। रुबीना दिलेक को एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट मिलने लगे और इसी के साथ सीरियल शक्ति में भी उन्होंने वापस से एंट्री ले ली। लेकिन हाल ही में खबर आई थी कि रुबीना दिलेक इन दिनों गुजर रही है कोरोना की बीमारी से, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है रुबीना दिलेक, जिसके बारे में रुबीना और रुबीना का परिवार तो जानता है, लेकिन यहाँ पर रुबीना के पति अभिनव शुक्ला इस बात से अनजान है कि उनकी पत्नी कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रही है। इसका खुलासा खुद रुबीना दिलेक ने अपनी स्टेटमेंट और एक पोस्ट में किया। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि टीवी और बॉलीवुड स्टार्स भी इस कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं। अब हाल ही में छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलेक भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना की बीमारी से जूझ रही है रुबीना दिलेक। बता दें कि रुबीना दिलेक ने खुद ये बात बताई है और खुलासा किया है अपने पति अभिनव शुक्ला से। रुबीना दिलेक ने अपनी इस बीमारी के बाद खुद अपने पति अभिनव शुक्ला से जुड़ा एक ऐसा सच बताया जिसे जानने के बाद फैंस कर रहे हैं रुबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला से सवाल। जी हां, रुबीना दिलेक ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के साथ ये भी बताया कि रुबीना दिलेक के पति अभिनव शुक्ला ये बात नहीं जानते कि रुबीना दिलेक कोरोना पॉजिटिव है। रुबीना दिलेक ने बताया कि अभिनव शुक्ला पंजाब से मुंबई लौट रहे हैं। अभी तक उनके पति अभिनव को ये नहीं पता है कि रुबीना दिलेक कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। अभिनव जैसे ही यहां पर आ जाएंगे तभी रुबीना दिलेक अपने पति अभिनव शुक्ला को बताएंगी कि वो कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। बता दें कि शनिवार को ही रुबीना दिलेक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। रुबीना दिलेक ने ये भी बताया था कि अभिनव शुक्ला किसी ज़रूरी काम के चलते पंजाब में हैं। उन्हें ये पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे पति अभिनव शुक्ला मेरे लिए ही मुंबई वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो फ्लाइट से उतरेंगे तो मैं खुद उन्हें ये बात बता दूंगी कि मुझे कोरोना हो गया है। मैंने खुद को होम क्वारंटाइन कर दिया है। मैं घर पर ही इस बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बता दें कि रुबीना दिलेक ने जब अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी अपने फैंस को दी तो फैंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए रुबीना दिलेक के लिए, और फैंस की चिंता बढ़ गई। रुबीना दिलेक के फैंस अब रुबीना दिलेक के ठीक होने की कामना कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर रुबीना दिलेक को कोरोना की ये बीमारी आखिर कैसे हुई। बता दें कि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि वो इस वायरस की चपेट में आखिर कैसे आए, लेकिन रुबीना दिलेक ने अपनी पोस्ट में एक पॉजिटिव मैसेज भी लिखा है। रुबीना दिलेक ने लिखा है कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी की ओर ध्यान देती हूँ और पॉजिटिव ही सोचती हूँ। अब एक महीने बाद मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकूँगी। कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ। 17 दिनों तक घर पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। बीते दिनों जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आया था कृपया वो अपनी जांच करवा ले ताकि इस बीमारी को रोका जा सके और इस चेन को ख़त्म किया जा सके। खैर, ये तो बात हुई रुबीना दिलेक की कोरोना की बीमारी की, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं रुबीना और अभिनव की पहली मुलाकात का सच कि आखिर इनकी लव स्टोरी की शुरुआत किस तरह शुरू हुई थी। रुबीना और अभिनव की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। गणपति पूजा के दौरान
अभिनव ने जब रुबीना को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन इंटरव्यू में अभिनव शुक्ला ने खुद ये बात बताई थी कि रुबीना से पहली बार गणपति पूजा के दौरान दोस्त के घर पर मिले थे। इसी के बाद अभिनव शुक्ला ने यह भी कहा था कि जब मैंने पहली बार रुबीना दिलेख को देखा था तो मैं अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि रुबीना दिलेख साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आमतौर पर हम लड़कियों को वेस्टर्न कपड़ों में देखना पसंद करते हैं। इस बीच जब कोई लड़की साड़ी पहनकर आपके सामने आती है तो वो लड़की और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और आप उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाती। इसके बाद बात आगे बढ़ी जब रुबीना के एक फ़ोटोशूट पर अभिनव ने कमेंट किया और कहा था कि वो रुबीना का एक फ़ोटोशूट करना चाहते हैं। लेकिन प्यार की पहल किसने की थी तो बता दें कि रुबीना ने बताया कि प्यार के लिए सबसे पहले प्रपोजल रुबीना दिलेख की तरफ से ही गया था, क्योंकि रुबीना दिलेख ये बात समझ गई थी कि ये रिश्ता दूर तक बनेगा और जाएगा। रुबीना दिलेख ने कहा था कि जैसा प्यार के बारे में सोचते हैं या इमेजिन करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए मैं अभिनव को खोना नहीं चाहती थी। हीरे की परख सिर्फ जोहरे को होती है। मैं अभिनव को खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने अभिनव को पाने की कोशिश की। और हाँ, सबसे पहले मैंने ही अभिनव शुक्ला से अपने प्यार का इजहार भी किया था। आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेख ने साल 2015 में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। ये बात तो हर कोई जानता है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए या रिश्ते में मिठास लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस। रुबीना और अभिनव भी एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों के शौक भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। रुबीना और अभिनव दोनों ही ट्रैवल करना काफ़ी पसंद करते हैं। कॉफ़ी के बिना दोनों ही नहीं रह सकते। इसके अलावा रुबीना कहती है कि अभिनव को फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है और उनकी फ़ोटोज़ का सब्जेक्ट बनना रुबीना को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ रुबीना दिलेख ने यह भी कहा कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सरप्राइज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिश्ते की ताकत बना कर रखता है। रुबीना ने कहा कि उनका अंदाज उनके रिश्ते की ताजगी लेकर आता है। अभिनव के बारे में बात करते हुए रुबीना ने कहा कि मैं अभिनव को प्यार से पेंडोरा का बॉक्स कहती हूँ, क्योंकि वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। इसी के साथ रुबीना ने यह भी कहा कि अभिनव हर समय इतना क्रिएटिव है कि वो मुझे अपने शानदार अंदाज से सरप्राइज करता रहता है और इंसानों की काबिलियत पर मेरा प्यार और भरोसा बढ़ जाता है। जब भी मैं कुछ नया करते अभिनव को देखती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा अभिनव को प्यार करने लगती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभिनव की पत्नी हूँ और अभिनव जैसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। रुबीना ने आके ये भी कहा कि एक इंसान के तौर पर अभिनव काफ़ी बेहतर इंसान है, वो दूसरों की मदद करना काफ़ी पसंद करते हैं। रुबीना ने यह भी कहा कि अभिनव ने मेरी मदद की ताकि मैं और अपने पंख खोलकर उड़ सकूं, और मुझे हर बार अभिनव ने मोटिवेट किया है। रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक दूसरे पर भरोसा रखना, जो अभिनव अक्सर मेरे साथ करता है। आपको बता दें कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेख दोनों ही एक्टर्स हैं। एक ही फिल्म में होने की वजह से इनका रिश्ता एक्टर्स के तौर पर काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है। लेकिन बिग बॉस 14 के घर पर आने से पहले ये बात का खुलासा हो गया था कि अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेख एक दूसरे से दूर होने वाले हैं और दोनों डाइवोर्स देने वाले हैं। लेकिन रुबीना और अभिनव ने बिग बॉस 14 के घर पर ये भी कहा था निकलने से पहले कि वो अपने इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। नेशनल एक्स रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रुबीना दिलेख पर, जहां पर रुबीना दिलेख किस तरह से अपनी इस बीमारी से अकेले लड़ रही है। लेकिन जैसे ही अभिनव शुक्ला आएंगे तो वो उन्हें अपनी सारी बातें बताएंगे और उसके बाद अभिनव शुक्ला रुबीना के सपोर्ट सिस्टम में खड़े रहकर उनका पूरा ख्याल रखेंगे और साथ ही इस बीमारी की लड़ाई से रुबीना दिलेख
को जिताएंगे भी और इस बीमारी से वापस भी लेकर आएंगे। बहुत जल्द रुबीना दिलेक ठीक भी होगी और बहुत जल्द एक बार फिर से आपको एंटरटेन करती हुई नजर आएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।